और खुद को बिल्कुल ही मैं ब्लेम करती थी कि व्हाई डिड आई डू सच थिंग्स, मैंने क्यों ऐसा किया, बहुत ब्लेम करती थी मैं। मेरा फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छा हुआ, मेरे पापा के साथ नहीं अच्छा था, वो भी अच्छा हुआ मेरा रिलेशन, मतलब काफी एक्सटेंड तक बहुत अच्छा है, क्योंकि आई चेंज्ड माय फ्रीक्वेंसी, आई चेंज्ड माय इमोशंस। सो राइट अभी कुछ मुझे इमोशन फील होता है तो मैं सिर्फ उसको पकड़ के नहीं बैठती, आई जस्ट डू माय कोनो कोनो इसको ईएफटी हील एंड आई करते एम या क्विकली आई कैन जस्ट टेक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स टाइम फॉर अनदर सक्सेस स्टोरी। सो आज हम सृष्टि से बात करेंगे एंड सृष्टि बताएगी कि सृष्टि ने क्या एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग एडवांस ओपोनोपोनो बैच, जो सृष्टि ने आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक किया था। एंड रिसेंटली जो करंट हीलिंग टू मैनिफेस्टेशन बैच है, वो भी सृष्टि ने कंप्लीट किया। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि सृष्टि ने क्या क्या चेंज किया अपने लाइफ में और क्या क्या मैनिफेस्ट किया। सो यस, हाय सृष्टि। हाँ, सो जब मैंने ये बैच ज्वाइन किया था तो उसके पहले लाइक 15 days बाद, मतलब बहुत टाइम से ही आई वॉज फीलिंग वेरी लो, आई यस वॉज एंड वेरी लो, या मतलब पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट सिंस चाइल्डहुड, तो पूरा एनर्जी भी ड्रेन हो गया था मेरा, एंड आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी थिंग, ऑन माई सेल्फ, माई करियर एंड एवरी थिंग। देन फिर मैंने आपको मैसेज किया कि मैम मुझे ज्वाइन करना है, देन आई ज्वाइन द बैच, बीच में से ही स्टार्ट किया था मैंने। देन विद इन 2-3 days ही मुझे मतलब खुद में एक चेंज दिखने लगा था कि मतलब बहुत क्या बोलते, मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगी थी, मैं खुश रह रही थी। देन पहले मुझे लाइक सीरियसली बताऊँ तो आई वॉज नॉट इवन एबल टू ईट, मतलब इतना मुझे मतलब थोड़ा सा ही खाती थी मैं, मन भी नहीं होता था खाने का, कुछ भी करने का मन नहीं होता था, और ओवर थिंकिंग तो इतना होता था कि आई यू थिंक गेस ये तब की बात है, आई थिंक 1 month या back और नॉट 2 month, बट आई थिंक इट्स मोर देन वन 1 month मंथ नाउ। बैक, वन मंथ आपने मुझे मैसेज किया था कि मुझे इमरजेंसी सेशन चाहिए, एंड आई या रिमेम्बर हमने इमरजेंसी एक 1-to-1 सेशन या किया था, यस एंड आप काफी लो थी, बहुत सैड या थी। यस तो तब की यस बात है। या तो तब मुझे मैम सीरियसली आई वॉज नॉट इवन एबल टू ईट, मतलब मुझे हो ही नहीं रहा था, खाने भी नहीं हो रहा था, एंड आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन मतलब, और मेरा नेचर ऐसा है नहीं, मतलब आई टॉक टू एवरी वन, टॉकेटिव नेचर है, तो घर पे भी मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो शांत शांत रहती है, एंड वो ओवर थिंकिंग बहुत होता था। बट सिंस वी स्टार्टेड द सेशंस, थोड़े दिन बाद ही मतलब मुझे खुद में रियलाइज हुआ कि आई एम फीलिंग हैप्पी, एंड दैट सेल्फ लव जो था मतलब पूरी तरह चला गया था पहले, तो वो अब आई कैन एक्सपीरियंस इट टू अ वेरी हाई एक्सटेंट विद इन मी, कि अब वो वाह बहुत हाई हो गया, क्योंकि मैं खुद पे फोकस ही नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल ही नहीं, मैं भूल ही गई थी, मतलब मैं इतना पास्ट को लेके मतलब पकड़ के बैठी थी ना कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हर बार मेरे दिमाग में होता था कि, और खुद को ही मैं ब्लेम करती थी कि व्हाई डिड आई डू सच थिंग्स, मैंने क्यों ऐसा किया, बहुत ब्लेम करती थी मैं। तो मुझे आपकी एक लाइन दैट यू सेड कि मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसे अब आपका बिलीफ है, वैसे कुछ है, तो वो लाइन मुझे बहुत हिट की थी, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो होता है अच्छे लिए, तो अच्छे के लिए होता दैट है। चेंज्ड मी अलॉट, या दैट चेंज्ड मी अलॉट, एंड अब लाइक आई एम वेरी फाइन आई कैन एंड सी दैट। एंड जो मैंने पहले बैच किया था एक बार आपका, आई गेस अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में किया था, तो उसके बाद मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिला है, गॉट प्रमोटेड टू सीनियर लेवल, एंड ओ बहुत कम वाह आप लोगों को, क्या बहुत कम लोगों को मिला मैम वो एक्चुअली, क्योंकि मतलब जिनका 2-3 ईयर्स हो गया था, 2.5-3 ईयर्स हो गया था ना, उनको ही मिला, बट आई डिडंट कम्प्लीट माई 2.5-3 ईयर्स, फिर भी मुझे मिला दैट प्रमोशन, तो वो एक हुआ। देन मेरा फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छा हुआ, मेरे पापा के साथ नहीं अच्छा था, वो भी अच्छा हुआ मेरा रिलेशन, मतलब काफी एक्सटेंड तक बहुत अच्छा है, क्योंकि आई राइट चेंज्ड माई फ्रीक्वेंसी, आई चेंज्ड माई इमोशंस। सो अभी कुछ मुझे इमोशन फील होता है तो मैं सिर्फ उसको पकड़ के नहीं बैठती, आई जस्ट डू माई कोनो कोनो इसको ईएफटी हील एंड आई करते एम या क्विकली आई कैन जस्ट चेंज, क्विकली आई कैन चेंज, पहले मैं आई जस्ट वॉज इन दैट फ्रीक्वेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अब मैं खुद से उसको ये कर पाती हूँ, सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वाह।
व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन सृष्टि, जो एक महीने पहले मैंने आपको देखा था, जहां पे मतलब आप काफी लॉस थी और मतलब मैंने आपको रोते हुए भी देखा और आप इतनी सैड थे, आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि आप कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी चीज पहले करूँ और कैसे सारे इशू को मैं ठीक करूँ, फिक्स करूँ। बट अभी जब मैं आपको देखा, आपने जैसे बोला कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ, आई कैन सी दैट ऑन योर फेस, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, वो सेल्फ लव तो डेफिनेटली बढ़ गया है, और अभी जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट दैट अगर कुछ होता भी है आई अनएक्सेप्टेबल, कैन हैंडल इट, एक्सेप्ट भी कर लिया जो हुआ है पास में ना। तो बहुत प्रॉब्लम क्या हो रहा था बताए, आप इतने तकलीफ में इसलिए थी क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, व्हाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट दिस इज लाइफ, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा और जो होगा वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शायद वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है। सो यस, तो आपने वो एक्सेप्ट किया, खुद को भी एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया, दैट्स द बेस्ट थिंग, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड कंग्रेचुलेशन फॉर योर थैंक यू मैम, प्रमोशन, एंड आपको थैंक बहुत कुछ आगे और मैनिफेस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट सृष्टि, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर मोर रिजल्ट विद यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू सो मच मैम।